सो गाइस, जैसे कि आपने अभी अभी उड़ने वाली वीडियो देखी, सो गाइस आप भी इस तरीके की वीडियो अपने मोबाइल फोन से बना सकते हैं, वो भी काइन मास्टर से। सो गाइस आज यही आपको सिखाने वाला हूं कि किस तरीके से आप जो है एक उड़ने वाली वीडियो बना सकते हैं। तो उसके लिए सबसे पहले जो भी मटेरियल वीडियो में यूज हुआ है वो मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको बिना टाइम वेस्ट किए जो है वो सिखाता हूं कि किस तरीके से आप ये वीडियो बना सकते हैं। अगर गाइस आपको वीडियो पसंद आए तो बिना सब्सक्राइब किए मत जाना, क्योंकि गाइस बहुत मेहनत लगती है इस टाइप की वीडियो को बनाने में और मैं आपके लिए ऐसे ही इंटरेस्टिंग वीडियो बनाता रहूंगा। तो चलिए सबसे पहले वीडियो बनाने के लिए काइन मास्टर ओपन करने के बाद प्लस पे आइकन पे क्लिक करने के बाद आपको 16:9 को सिलेक्ट करना है और उसके बाद जो है यहां पे आपको मीडिया पे क्लिक करने के बाद सबसे पहले अपनी वो बादलों वाली वीडियो लेकर आनी है। तो चलिए उसका लिंक मैं आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से आप उसको डाउनलोड कर लेना। तो चलिए मैंने कर रखी है, तो उसके बाद मैं यहां से सिलेक्ट कर लेता हूं और राइट कर दूंगा। उसके बाद जो है गाइस आपकी वीडियो आ चुकी है। अब आपको क्या करना है, आपको एक वीडियो रिकॉर्ड करनी है ग्रीन स्क्रीन पर, जो आपको मैं दिखाऊंगा अभी। इस तरीके से ही आपको एक वीडियो रिकॉर्ड कर लेनी है और लेयर वाले आइकन पर क्लिक करके मीडिया पर क्लिक करके उस वाली वीडियो को लेकर आएंगे। तो चलिए मैं यहां से इसको सिलेक्ट कर देता हूं और उसके बाद जो है इसको चलिए क्रॉप करते हैं, क्योंकि इसको क्रॉप करना पड़ेगा, ये एक्स्ट्रा पार्ट है इसमें। तो चलिए इसको क्रॉप करने के बाद मैं आपको दिखाता हूं आगे का प्रोसेस। तो गाइस ये इस तरीके से आपको जो है क्रॉप कर लेनी है, राइट कर देना है। वीडियो पर क्लिक करने के बाद यहां से क्रोमा की को इनेबल करना है, जिससे कि ये ग्रीन स्क्रीन आपकी जो है वो गायब हो जाए। तो चलिए पहले यहां से कर देते हैं, ये गायब देख सकते हैं, ये कुछ हद तक ग्रीन स्क्रीन गायब हो गई है। अब और आपको इसको जो है वो थोड़ा करना है अपने हिसाब से एडजस्ट, जो कि बिल्कुल भी दिखाई नहीं दे। तो गाइस इससे बिल्कुल आपका एक ये ओरिजिनल वीडियो लगेगा, जिससे कि आपका काफी अट्रैक्टिव ये वीडियो लगने वाला है। तो इस तरीके से आपको जो है यहां से एडजस्ट कर लेना है और राइट कर देना है। अब आपको इस वीडियो पर क्लिक करने के बाद इसको यहां से एडजस्ट करना है कुछ इस तरीके से और उसके बाद जो है राइट कर देना है। अब गाइस आपको क्या करना होगा, ये आपकी वीडियो चलती हुई दिखाई देनी चाहिए, तो इसके लिए सबसे पहले आपको इस वीडियो का एक्स्ट्रा पार्ट जो है वो कट कर देना है। तो चलिए इतना एक्स्ट्रा पार्ट है, मैं इसको यहां से कट कर देता हूं और उसके बाद जो है आपको क्या करना है, इस वीडियो पर क्लिक करना है और यहां से आपको एक ऑप्शन मिलेगा चाबी वाला। तो इस वीडियो को पहले पीछे की तरफ को यहां पर ले आएंगे और उसके बाद जो है इस चाबी वाले आइकन पर क्लिक करने के बाद गाइस आपको आगे को लेके आना है और इसको वीडियो को जो है वो आगे को ट्रैक करना है। तो मतलब यहां पर जो है आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका वीडियो ये प्ले होगा। तो राइट कर देंगे यहां से और उसके बाद जो है मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से वीडियो प्ले होगा। चलिए इसके साउंड को मैं कम कर देता हूं और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से ये वीडियो प्ले होने वाला है। तो मैंने यहां से इसका साउंड जो है वो कम कर दिया है और उसके बाद मैं आपको दिखाता हूं किस तरीके से ये वीडियो प्ले होगा। सो गाइज आप देख सकते हैं कुछ इस तरीके से आपका ये वीडियो प्ले होने वाला है, जो कि काफ़ी अट्रैक्टिव लग रहा है और आप भी जो है ऐसा वीडियो बना सकते हैं। अभी आप देख सकते हैं कि बादल इसमें उल्टे चल रहे हैं, तो उसको भी हम यहां से सीधा कर देंगे और अपने हिसाब से। तो गाइज आपको क्या करना है, इस वाले वीडियो पर क्लिक करना है बादल वाले और यहाँ से रोटेट मिरर पर क्लिक करने के बाद यहाँ से इसको रोटेट कर देना है। जैसे ही आप कर देंगे तो उसके बाद जो है गाइज यहाँ से राइट कर दीजिए, आप देख सकते हैं यहाँ से कि बादल जो है अब सीधे चलने लगेंगे। तो आप देख सकते हैं कितना अट्रैक्टिव ये लग रहा है और बिल्कुल एक सेम लग रहा है कि ये बच्चा जो है वो आसमानों में उड़ रहा है। उसके बाद गाइस आप देख सकते हैं ये अभी थोड़ा नीचे लग रहा है, तो यहाँ पे पीछे को आएंगे, वीडियो पे क्लिक करेंगे और इसको जो है थोड़ा ऊपर कर देंगे और यहाँ से राइट कर दीजिए। अब आप देखिए गाइस किस तरीके से जो है ये लगने वाला है। सो गाइस इस तरीके से जो है आप इस वीडियो को बना सकते हैं और उसके बाद सिंपल आप यहां से एक्सपोर्ट कर लीजिए और आपका ये वीडियो बनकर रेडी हो जाएगा। सो गाइस उम्मीद करता हूं कि वीडियो आपको काफ़ी पसंद आया होगा। अगर वीडियो आपको पसंद आया तो इसे लाइक कीजिए, अपने फ्रेंड के साथ शेयर कीजिए और अगर आपको कोई भी प्रॉब्लम आती है वीडियो में तो कॉमेंट करके आप पूछ सकते हैं। चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि इसी तरीके की इंटरेस्टिंग वीडियो मैं आपके लिए बनाता रहूँगा। तो चलिए गाइस थैंक यू सो मच, थैंक्स फॉर वॉचिंग।